धूनवुड फिल्म के बैनर तले बनी वेब सीरीज सफर जिंदगी का के प्रीमियर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान शामिल हुए। इन वेब सीरीज में नशे जैसी सामाजिक बुराई पर कटाक्ष किया गया है। विकासनगर में बनी वेब सीरीज सफर जिंदगी का के प्रीमियर शो में विधायक मुन्ना सिंह चौहान शामिल हुए और इसके निर्माताओं को बधाई दी। इस वेब सीरीज में लोकल कलाकारों ने काम किया है। वेब सीरीज बनाने में समाज में बढ़ते नशे की लत को टारगेट किया गया है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सभी कलाकारों को बधाई देते हुए वेब सीरीज की सराहना की और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के दृष्टि से उत्तराखंड राज्य सक्षम है और यहां पर अपार संभावनाएं हैं। सभी अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को समझें, नैतिक मूल्यों को हमेशा बना करके रखें, अनुशासन को हमेशा बना करके रखें और समय सामयिक विषयों पर बहुत जिम्मेदारी के साथ हम उसका फिल्मांकन इन छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, इन वेब सीरीज़ के माध्यम से उसको करें। तो जहाँ तक उनका अपना एक जो ये इंडस्ट्री है ये आगे बढ़ने का काम होगा, वहीं समाज में भी उनका एक बड़ा योगदान होगा, जो इसके लिए मैं अपने ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वेब सीरीज के डायरेक्टर ने बताया कि सीरीज के लिए चकराता विकासनगर की विभिन्न लोकेशंस पर शूटिंग की गई थी, क्योंकि दोनों क्षेत्र वेब सीरीज के हिसाब से एकदम मुफीद हैं। एक कोशिश है सामाजिक संदेश को देते हुए कि आदमी अपनी जिंदगी में अपनी संगति और अपनी आदतें अगर सही रखे तो तरक्की करता है, लेकिन अगर वो अपने मयार से नीचे गिर जाए तो बहुत कुछ खो देता है जिंदगी। कहते ही है तो संसाधन बहुत कम है और यहाँ पे कोई कलाकार ट्रेंड नहीं है और हमारे डायरेक्टर साहब हैं, बस वही किसी तरह से सबको घेर के, सबको समझा के थोड़ा सा और अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के कलाकारों को भी मौका मिले। जो आप देख रहे हैं अभी ये एक मतलब छोटे इक्विपमेंट के साथ में बनाई हुई गई मूवीज जितनी अभी तक की आपने देखी, अब हमें जो है थोड़ा सा और अपग्रेड करना है। कोई अगर सुन सकते हैं तो हमसे मिलते हैं और हम जोड़ भी रहे हैं लोगों को, बहुत सारे टीम भी जोड़ रहे हैं जो कि हमारे साथ जुड़कर काम करने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।